السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلم. عزيزان ملت الإسلامية، अभी अभी मैंने जिस आयत करीमा के तिलावत का शरफ हासिल किया है उसका मफहूम यह है कि ऐ महबूब आप फरमा दीजिए कि जानने वाले और न जानने वाले बराबर हो सकते हैं। हजरत ग्रामी इल्म एक बेगना समुंदर है और दर हकीकत एक रशिया का नाम है। इल्म एक ऐसी चीज है जो इंसान को मुहद बनाता है, इसे अच्छे और बुरे में फर्क सिखाता है। इल्म एक ऐसी चीज है जो इंसान को मोहल्ले बनाता है, इसे अच्छे और बुरे में फर्क सिखाता है। मुतमसा में गिराम इस्लाम की सबसे पहले तालीम और कुरान पाक की पहले आयत जो अल्लाह ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाए वो इल्म से मुतालिक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक्रा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक के पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। मुझे सामीन गिराम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तौलब العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة के इल्म का हासिल करना हर मर्द और औरत पर वजीब है। इसे तो तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है हजरत अबू मामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवाज है के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह तआला अपनी रहमत नाज़िल फरमाता है और उसके फरिश्ते आसमान और जमीन में रहने वाले सारे मखलूकात यहां तक क्या चुन गया अपने सूरह खोल में और मतलब उस बंदी के लिए दुआ खैर कर दी है जो लोगों को बुलाए और दिन को तालीम देता है। मोहतरम सामने इकराम आप लोगों को एक अहमता पर लेकर जाना चाहता हूँ कि जब हिजरा मदीना हुए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी में एक सियासी समाजी माशी इक्तिसादी माशरते और सकाफती इंकलाब का आगाज हुआ और एक नए एरा को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रकम करने लगे तो पहले गजवा पहले जंग गजवा बदर हुई जिसमें 70 काफिर कैदी लोग बंगर आए। यह तारीख हकीकत है कानून रसूलियत का के उनमें हर शख्स आजाद रहम देकर आजाद आ जाए। उन कैदियों में से कुछ जारी थे जो इस्तेदाद नहीं रखते थे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कैदी हमारे मदीना की सरजमीन में 10 दर्जन पर बच्चों को तालीम दे दे लिखना पढ़ना सिखा दे उनके 4 दर्जन माफ कर दिए जाएंगे और वो आजाद कर दिए जाएंगे। 10-10 बच्चों के इवज में छोड़ दिए गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اي محبوب आप फरमा दीजिए कि जानने वाले और न जानने वाले बराबर हो सकते हैं। हजरत ग्रामी आप अंदाजा कीजिए इल्म अहमियत क्या है। उस वक्त बैतुल माल को सख्त पैसे के लोग रखते बैतुल माल को खजाने के लोग रखते 4000 दिरहम तंगदस्ती की हालत में छोड़ दिए गए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा तालीम से बड़ी दौलत तालीम से बड़ा सरमाया किसी कौम के लिए नहीं है। मोहतरम सामिने किराम हमें चाहिए कि अपने बच्चों को तालीम की तरफ रब्बल दिलाएं उन्हें आला से आला तालीम दिलाएं। अल्लाह ताला हम सबको कहने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।